और गियर फंस रहे थे, तो ये हमने इसकी गियर शाफ्ट मंगा ली है, चेंज करेंगे इसको। ये देखिए 354 रुपये की MRP है, तो इसको निकाल लेंगे और इसको लगाना है ये स्प्रिंग दबा करके। मैं इसको पहले खोल लिया था, अब आप देखिए कैसे लगाते हैं। एक वाशर यहाँ पे ये पड़ेगा, इसमें यहाँ पे इसको दबा करके तो कुछ स्टेप बाई स्टेप देखते जाइए अभी हम कैसे लगाते हैं इसको। ये देखिए ये हमारी हाउसिंग है, तो हाउसिंग को ऐसे लगाना है। और दोस्तों इसको खोलने से पहले ये याद रखिए, ये टाइमिंग चैन का गियर इसको नट खोल करके इसको बाहर निकालना पड़ेगा। इसको हल्का से बाहर निकालिए और उसके बाद ये लगा दीजिए। और पूरा ना निकालिए अगर, लेकिन पूरा अब निकाला पूरा निकल आया तो बेफिक्र करने की कोई बात नहीं है। अभी हम बताएंगे कैसे निकालना है, हमने तो इसको निकाल लिया है। ये देखिए अभी हम बताएंगे इसको कैसे लगाना है। ये देखिए हमने हाउसिंग लगा दिया है, और अगर ये आपने निकाल लिया तो इसको दोबारा लगाने के लिए देख लीजिए छोटा सा पेचकस, और ये टेंशनर लगा हुआ है। ये टेंशनर यहाँ से ढीला कर लीजिए, पेचकस लगाइए यहाँ से बोल्ट खोल करके, एक 10 नंबर का टेंशनर को लूज कर लीजिए। मैं टेंशनर लूज कर लिया है, अब देखिए ये कितने आराम से लग रहा है। ये हमने लगा दिया, अंदर चाबी होती है, चाबी के होल के सामने इसको ऐसे बिठा दीजिए, उसके बाद ये पेश कर खींच लीजिए ऐसे। अभी देखिए टाइमिंग चैन टाइट हो गए ठीक। उसके बाद ये नट यहाँ पे टाइट कर दीजिए इसका, हो गया। अब हम इसको टाइट कर लें पहले, उसके बाद लगाएंगे टच प्लेट। दोस्तों इसमें अभी क्लच प्लेट के भी बारे में बताऊंगा, कैसे क्लच प्लेट लगाते हैं इसमें। तो आप गियर के साथ क्लच प्लेट भी देख लीजिए कैसे फिट की जाती है। उम्मीद करता हूँ इससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। मेरा मकसद ही है ये दोस्तों कि जितनी ज़्यादा मैं आप लोगों की हेल्प कर सकूँ उतना मुझे अच्छा लगता है। देखिए टाइट हो गया,
टाइट हो गया दोस्तों, अब क्विक क्लच स्प्रिंग लगाना रहेगा, गियर लगा लेंगे। चार लड़के लगते हैं एक साइड के, सब एटिया चलते वो लगा दिए। ये भी टाइट हो गया, अब चैम्बर बांधना रह गया है। अब ये पैकिंग सफा करके नई पैकिंग लगा करके हम इसको बांध देंगे। चलिए दोस्तों, अब इसको मैं पैकिंग सफ़ा कर लेता हूँ, फिर उसके बाद आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों, हमने देखिए क्लच चैम्बर पैकिंग सफ़ा कर ली कायदे से, अब इसको नई पैकिंग लगा देंगे। अब स्टार्ट करते हैं गाड़ी को।